वेलकम है गाइस, आप सबका एक और वीडियो में। सबसे पहले गाइस, मैं आपको 1 मिनट की थोड़ी सी अपडेट दे देता हूँ कि अभी करेंट सिचुएशन कैसी है। तो वो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो मैं हर वीडियो में आपको बताता ही हूँ। तो टॉपिक आपने देख लिया है, ये जो वीडियो है थोड़ी हटकर है, इसमें हम कल्चर के बारे में थोड़ी बात करेंगे। और उसके पहले मैं आपको थोड़ी सी अपडेट दे देता हूँ कि यहाँ पर अभी जो कोरोना के केसेस मैंने आपको बताया था, डेली के 40-50 हज़ार आ रहे थे, आपको मैंने बताया था लास्ट वीडियोस में। पर पिछले कुछ दिनों से जैसे लॉकडाउन लगा है तो कुछ इम्प्रूवमेंट तो होगी ही होगी। तो अब जो केसेस हैं वो एवरेज थोड़ी कम हुई है, 20 से 25 हज़ार चल रहे, पर ये भी बहुत ज़्यादा है, आप समझ सकते हो। तो ये कोई कम नहीं है, पर जो 40-50 हज़ार रोज के केस आते थे पहले, तो अभी आप चेक करोगे तो एवरेज कम होकर 20-25 हज़ार रोज के नए केस आ रहे हैं कोरोना के। तो होपफुली, मुझे उम्मीद है, हम सब उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो केसेस हैं ये धीरे से धीरे, जैसे जैसे टाइम पास होगा तो और कम हो जाएंगे। तो ये सब लॉकडाउन की वजह से है। चलो बढ़िया है, हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी सब ठीक हो। तो ये थी यहाँ की अपडेट। बाकी लॉकडाउन लगा हुआ है बिल्कुल सेम टू सेम, ऐसे ही जैसे मैंने लास्ट वीडियोज़ में बताया है। तो सिचुएशन सेम टू सेम वैसे ही चल रही है, जॉब मार्केट भी डाउन है, सबको आपको मैंने बताया ही हुआ है। तो खैर, ये थोड़ी सी आपको अपडेट देनी थी मैंने। और इसके बाद गाइज, मैं दो अनाउंसमेंट, दो तीन आपको बताना चाहता हूँ बातें, कि जो स्टूडेंट, देखो कुछ स्टूडेंट हैं जो यूरोप जाना चाहते हैं स्टडी करने, वो भी वीडियोस देखते हैं, तो यहाँ पे यूट्यूब पे कमेंट आते हैं जो बताते हैं कि हमने यूरोप में स्टडी करनी है। तो वो उनकी पर्सनल चॉइस है। यूरोप में स्टडी करने के अपने ही फ़ायदे हैं, पर वहाँ पर देखो एक चीज़ है कि अगर आप जाते हो किसी भी यूरोप कंट्री में, स्टूडेंट यूके जो आना चाहते हैं, कुछ स्टूडेंट हैं वो यूरोप भी जाना चाहते हैं, तो बेसिकली क्या है कि लैंग्वेज का इशू आता है। अगर आप फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम किसी भी कंट्री में जा रहे हो स्टडी करने के लिए, पोलैंड, लातविया, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, फीस जो फीस है वो भी अलग अलग है। तो वो क्या चक्कर है कि वहाँ पर आप जिस कंट्री में जाते हो तो आपको वहाँ की लैंग्वेज B2 लेवल आना चाहिए कम से कम, कि आप बेसिक आना चाहिए कि आप कम्युनिकेशन कर सको। तो बस लैंग्वेज का दिक्कत है, बाकी जॉब वगैरह सब जगह मिल जाती है। अगर आपको थोड़ी लैंग्वेज वहाँ की आती है तो फिर थोड़ा ईजी हो जाता है। तो यहाँ यूके में आपको पता है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, इन सब कंट्रीज़ में यहाँ पर इंग्लिश बोलते हैं तो हम थोड़ा इजी समझते हैं। पर स्टूडेंट हैं, इंडियन स्टूडेंट जो जाना चाहते हैं, जर्मनी में एजुकेशन आपको पता है, वहाँ पर अगर आप B2 लेवल क्लियर कर लेते हो तो वहाँ की जो स्टडी है वो फ्री है। तो मास्टर डिग्री करो चाहे आप बैचलर करो, आपके ग्रेड्स अच्छे हैं, आपने B2 लेवल उनका जर्मन लैंग्वेज का क्लियर कर लिया, कोई दिक्कत नहीं आती, आपको एडमिशन मिल जाती है। तो हमारे एक पाजी हैं वहाँ पर, अपने मनी पाजी, तो उनका चैनल का नेम है सिंग इन जर्मनी, तो वो वहाँ पर रह रहे हैं, उनको काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो गाइज़, मैंने उनसे बात की थी, हमारी बात होती रहती है, तो उनका चैनल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वीडियो के नीचे, बाकी इंस्टा अकाउंट भी मैं हो शेयर कर दूंगा। अगर किसी स्टूडेंट ने वहाँ जाना है जर्मनी में स्टडी करने के लिए तो उनके पास एक्सपीरियंस है, आप उनको पूछो। जो यूके जाना चाहते हैं वो तो चलो पूछ लेते हैं इधर, तो वो उनको तंग मत करना जो यूके जाना चाहते हैं, उनको यूके का इतना नहीं पता। तो जो जर्मनी, एक्चुअली जो जर्मनी जाना चाहते हैं, पोलैंड वगैरह, तो उनको काफ़ी नॉलेज है। आप उनको इंस्टा पे मैसेज करो, वो जरूर रिप्लाई करेंगे। और उनका चैनल है सिंग इन जर्मनी, ये नेम है उनके चैनल का, तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जो स्टूडेंट वहाँ जाना चाहते हैं वो उनका चैनल देखें, फॉलो करें, बाकी आपको पूरी अच्छी तरह से वो गाइड करेंगे। और इसके बाद एक दूसरी और बात मैंने बतानी है कि आप को मैंने ऑलरेडी बताया कि यहाँ पर लॉकडाउन है, और अपने पुनीत भाई जो कंट्री में रहते हैं, तो मेरी उनसे फ़ोन पर बात हुई थी, हम मिले नहीं काफ़ी टाइम से, मेरा दिल था मिलने का पर लॉकडाउन के चक्कर में आपको बताइए। तो वो रहते हैं कंट्री में, अभी जॉब वगैरह उनकी भी नहीं चल रही है बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, तो घर पर बैठे हैं सभी। यहाँ पर कंपनीज़ वगैरह को, जो जितनी भी कंपनीज़ हैं बंद हैं, तो गवर्नमेंट पे करती है, आपको पता ही, यहाँ पर सैलरी वगैरह 80% जो भी होता है। तो वो मेरे साथ बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि तो मेरा इंस्टा अकाउंट शेयर कर दियो, किसी स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो। अभी वो फ्री हैं इसलिए मुझे बोल रहे थे कि तू मेरा भी शेयर कर दियो, क्योंकि आपको पता है मैं रिप्लाई नहीं कर पाता। तो चलो, मैं इस वीडियो के नीचे अपने मनीपा जी जो जर्मनी में, उनका भी शेयर करूंगा, तो अपने जो पुनीत भाई हैं कोवेंट्री वाले, आपने उनको देखा ही है लास्ट वीडियोज़ में, मेरे साथ थे, तो हमने काफ़ी सारा ट्रिप वगैरह किए हुए हैं साथ में, हमने वीडियोज़ भी की हुई हैं। तो मैं उनका इंस्टा अकाउंट भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो स्टूडेंट यूके आना चाहते हैं तो आप उनको भी मैसेज करो, उनको तंग करो कि वो फ्री हैं इस वक्त, तो आपको रिप्लाई करेंगे ज़रूर। तो खैर गाइज, आज की वीडियो शुरू करते हैं। टाइटल आपने ऑलरेडी देख लिया है, तो कल्चर की बात चलेगी, क्योंकि देखो इंडिया का कल्चर और यूके का कल्चर,
बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, बहुत ही ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप मानोगे, यहाँ पर अपनी कम्युनिटी रहती है तो ये सबसे बढ़िया बात है। हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, पर जो मज़े वहाँ पर अपने इंडिया में है, फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं वहाँ पर, तो वो तो अलग ही है, वो आप कर नहीं सकते कुछ भी। यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, यहाँ का जो कल्चर है, बेसिकली कल्चर की बात चल रही है तो हम उसी के बारे में बात करेंगे। हम इंडिया में जब रहते हैं, हमारे घर के आसपास जितने भी नेबरहुड में फैमिलीज़ हैं, हम उनसे मिलते जुलते हैं, उनसे बढ़िया बात होती है, उनके घर में आ जाते आते हैं, हम उनको बुलाते भी हैं, घर पर भी बुलाते हैं, खाने खाने का कोई प्रोग्राम है, कुछ फेस्टिवल है, कोई पार्टी है, कुछ भी है। पर यहाँ का सिस्टम अपोजिट है। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर घर तो हैं आसपास में, कोई नेबर दूसरे नेबर से मैंने कभी देखा नहीं कि कोई बात कर रहा होगा, तो ये काफ़ी आपको अजीब लगेगा। यहाँ पर साथ वाले घर में क्या हो रहा है, कुछ भी है, चाहे सुख है, कोई दुख है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी है, फन है, कोई पार्टी है, कोई किसी को लेना नहीं, कोई देना नहीं। हमारे वहाँ पर होता है कि हम गैदरिंग करते हैं, फैमिलीज़ के साथ इंजॉय करते हैं। तो सबसे बड़ा डिफरेंट तो ये है कि यहाँ का सीन बिल्कुल ही अलग है, कोई नेबर में किसी से कोई फालतू कोई बात नहीं करता, कुछ नहीं है, तो ये चीज़ थोड़ी अलग सी है यहाँ पर। और बाकी देखो, अगर इसके बाद बात करें कि जो मैरिज वगैरह होती है, तो अपने वहाँ जब इंडिया में मैरिज के प्रोग्राम होते हैं, मैरिज का सीन होता है, तो हम मैरिज को एक फेस्टिवल की तरह लेते हैं, एक फेस्टिवल, एक पूरी सेलिब्रेशन होती है। पर यहाँ पर बस इनका सिस्टम अलग है, ये आपको पता ही होगा, इनका बस वो सेरेमनी होती है 2 घंटे की, 3 घंटे की, तो बस मैरिज हो जाती है कंप्लीट। तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। बाकी इनका ड्रेसिंग सेंस है, यहाँ का जो ब्रिटिश लड़कियाँ हैं, ये जो कल्चर है इनका, पार्टी जाना, क्लब में जाना, ये सब, वो ड्रिंक वगैरह करना, सिगरेट पीना, ये सब बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ कि ये सब गलत है। अपने कुछ जो अप मैं सबको नहीं बोलता, कुछ स्टूडेंट आते हैं तो वो वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट कर रहे हैं, तो नया नया शौक है, सब इन्जॉय करना चाहते हैं, तो वेस्टर्न कल्चर अपने इंडिया पर भी बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। तो ये सब वेस्टर्न कल्चर इनका ही है जो अपने इंडिया में अफेक्ट कर रहा है। तो बड़ी सिटीज़ में मैं बताता हूँ, दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, वहाँ पर तो काफ़ी आपको देखने को मिलेगा कि लड़के लड़कियाँ मतलब सिगरेट वगैरह पीते हैं, मतलब ड्रिंक वगैरह करते हैं, ये सब वहाँ पर अब नॉर्मल होता जा रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं है। हमें अपना कल्चर नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि हमारा कल्चर जो इंडिया का कल्चर है, मैं उसकी बात करूँ तो सबसे बेस्ट है। यूके का कल्चर इसके आगे कुछ भी नहीं है, यूरोप का कल्चर भी इसके आगे कुछ भी नहीं है, तो अपने इंडिया का कल्चर सबसे बेस्ट है। आप इंडिया का कल्चर कभी मत छोड़ो, आप आते हो, देखते हो, एक्सपीरियंस करते हो, ठीक है, पर इसके पीछे मत पड़ जाओ। यहाँ का तो बिल्कुल ही डिफरेंट है, यहाँ पर जो बच्चे हैं वो अपने मम्मी पापा के साथ रहते ही नहीं हैं। जो यहाँ पर आप आओगे तो आप देखोगे कि जो ब्रिटिश फैमिलीज़ हैं, जो बच्चे 14-15 साल के हो जाते हैं, 17-18 के, वो अलग हो जाते हैं। तो ये क्या लाइफ नहीं है कुछ इनकी, मतलब बच्चे अपना अलग रहने लग जाते हैं, घर वाले बेचारे जो मम्मी पापा होते हैं वो अलग रहते हैं, तो फिर उसके बाद बच्चों की अलग लाइफ शुरू शुरू हो जाती है, कोई उनके ऊपर होता नहीं, कोई टेक केयर वाला, कोई कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो ये बिल्कुल अपोजिट है। हमारे वहाँ पर क्या है कि हम अपने घर वालों के साथ रहते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, हम जॉब करते हैं, अपने जो ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर होते हैं पूरे एक घर के नीचे होते हैं सब, आपको पता ही है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, पूरी फैमिली होती है, बिग फैमिली, एक घर के नीचे होते हैं सब। आपको कभी भी गाइज यूके में आप किसी फैमिली को भी मिलोगे, किसी ब्रिटिश को मिलोगे, आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पर जो फैमिलीज़ हैं बिल्कुल अलग अलग रहती हैं, एक एक घर में दो दो बंदे, एक एक बंदा रह रहा है, तो ये सब चीज़ें हैं नॉर्मली, मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। तो इसी को कल्चर हम कह सकते हैं कि यहाँ का कल्चर ऐसा है। तो आप सबको भी देखो पता ही है कि जो फैमिली होती है तो कितना इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ है, हम तो रह नहीं सकते ना, अब तो चलो यहाँ पर स्टडी करनी है, मजबूरी है, पर कभी टाइम आता है हम घर वालों को भी बुला लेते हैं अपने पास। तो यहाँ पर जो इंडियन फैमिलीज़ रहती हैं वो बढ़िया सेटल्ड है, उनके घर वाले भी उनके पास ही रहते हैं, पर आपको मैं बता रहा हूँ लिटरली यहाँ पर आपको कोई ब्रिटिश फैमिली में ऐसा नहीं दिखेगा कि घर में सब मम्मी पापा और ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर सभी साथ में रह रहे हैं। तो इस चीज़ में ना जो यूरोप कंट्रीज़ हैं, वेस्टर्न कल्चर बहुत ज़्यादा लैक करता है। यहाँ का जो डेटिंग कल्चर है, दूसरा कल्चर, मैरिज वगैरह का कल्चर मैंने आपको बताया, डेटिंग कल्चर ये बिल्कुल अलग है, अपने में इंडिया में ये सब चीज़ें नहीं है। यहाँ की एक और चीज़ है जो बहुत ज़्यादा लैक करती है, वो क्या है कि यहाँ पर जो डिवोर्स केसेस हैं बहुत ज़्यादा हाई हैं। यहाँ पर कोई अगर कपल कोई रहता है, ये किसी को टॉलरेट ही नहीं कर सकते, किसी ने कुछ बोल भी दिया। हमारी फैमिलीज़ में क्या होता है कि हम पूरे लॉयल होते हैं, कमिटेड होते हैं, अगर आप शादी करते हो, स्टूडेंट है, कुछ भी हैं, आपको बताइए कि अपने इंडिया में डिवोर्स केसेस बहुत ज़्यादा कम है, तो इन सब कंट्रीज़ में
बहुत ही ज़्यादा हाई हैं, 40-50%। आप चेक करोगे आपको पता लगेगा, यूरोप में भी ऐसा ही सीन है, तो अमेरिका वगैरह में भी ऐसा ही सीन है। तो ये सब कल्चर को फॉलो नहीं करते, ये अपना इंडियन कल्चर सबसे बेस्ट है। हमारे में क्या है कि हम कमिटेड होते हैं, लॉयल होते हैं, हमें पता है कि सारी लाइफ इनके साथ स्पेंड करनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हैं। तो यहाँ पर तो ऐसा भी है कि देख सुना हुआ है, देखा तो नहीं है, सुना है मैंने कि मैरिज के बाद भी जो मियाँ बीबी होते हैं, जो हस्बैंड वाइफ होते हैं, वो अलग अलग अपने अकाउंट, मतलब जो एक्सपेंसेस होते हैं वो भी अलग अलग करते हैं। कि अगर रेस्टोरेंट में भी हस्बैंड वाइफ रेस्टोरेंट में भी जा रहे हैं ना, तो वो भी वहाँ पर भी वैसे अलग अलग पे कर रहे हैं। हमारे वहाँ पर क्या होता है कि हस्बैंड नहीं पे करने, तो ऑब्वियस ही है, अगर मैन वहाँ पर बंदा काम कर रहा है तो बंदा पे करेगा ही, तो हम अपनी लेडीज़ को नहीं पे करने देते। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफरेंट करती हैं। देखो अगर वीडियो बनाना चाहूँ कल्चर के रिगार्डिंग, तो एक पूरे 10-15 पॉइंट बनेंगे, पूरी डिटेल में एक वीडियो, बहुत लंबी वीडियो बन सकती है, क्योंकि बहुत सारी गाइस बातें हैं जो कल्चर से जुड़ी हुई हैं, यहाँ का बिल्कुल ही डिफरेंट है। खैर अभी बारिश शुरू हो चुकी है, आप देख सकते हो हुडी गीली हो रही है और बारिश तेज़ हो रही है अब। तो वीडियो मैंने आपको जो बताना, जो इम्पोर्टेंट मैंने आपको बतानी थी डिटेल वगैरह, स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दी है। और ये आपके कमेंट आए थे कि कल्चर के रिगार्डिंग थोड़ा सा बताओ, क्योंकि हमारे जो घर वाले हैं वो जानना चाहते हैं, बाकी यहाँ पर जो स्टूडेंट आते हैं वो देखते हैं, उनको पता लग जाता है। पर मोस्टली मैं बता रहा हूँ अपने इंडियन स्टूडेंट, 80-90% उनको पसंद नहीं आता यहाँ का कल्चर, वो ऑब्वियसली ये नहीं पसंद आएगा, यहाँ का डिफरेंट है बहुत ज़्यादा। तो हम नहीं यहाँ का बिल्कुल अडॉप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हम पले वहाँ पर हैं, वहाँ पर रहे हैं, घर वालों से प्यार है, तो हम तो बिल्कुल अडॉप्ट नहीं कर सकते। बाकी यहाँ पर अभी 1-2 डिग्री टेम्परेचर है, अभी देख सकते हो क्लाउडी है, तो वेदर ऐसे ही रहता है यहाँ पर। तो ठीक है गाइस, होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आज मुझे पता है कि ये टॉपिक थोड़ा हटकर था, क्योंकि एजुकेशन के रिलेटेड नहीं हुई बात इतनी, पर मैंने आपको अपडेट वगैरह दे दी है, जो सिचुएशन अभी है केसेस का मैंने आपको बता दिया है, और जैसे भी कोई नई अपडेट आई तो वो मैं आपको बता दूंगा। फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय।